हेलो क्लास टेन के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज है प्रकाश के प्रावर्तन का लेक्चर नंबर 2, यानी क्लास टेंथ के भौतिकी के पहला चैप्टर जो है प्रकाश के प्रावर्तन, उसका आज है दूसरा दिन। अगर इसका लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखा जाकर देख लीजिए, एकदम मजा आ जाएगा। हाँ, इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्रकाश पुंज, जिसको किरण पुंज भी कहते हैं, और पारदर्शी पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, पारभासी पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाशीय माध्यम पढ़ेंगे, छाया पढ़ेंगे, और सबसे अलग तरीका पढ़ाने वाले हैं, अलग तरीका से, यूनिक तरीका से। अब यूनिक तरीका क्या होगा, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक से जुड़ा हुआ लेक्चर के लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जैसा कल हुआ था। और हमने लिखा यहाँ पे कि हंसते हंसते टॉपिक समझ जाओगे, एकदम कन्फर्म समझ जाओगे, ठीक है, क्योंकि जो भी हम पढ़ेंगे उसके लास्ट में 15 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, 15 क्वेश्चन का जवाब बच्चा खुद देता है, कल दिया था और आज भी देगा, ठीक है। क्लास करने के बाद दिखा देते आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए आज के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए थोड़ा, देखिए अगर ये सब आपको मालूम होगा तो भाई आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, समझे। तो यही आज हम लोग लेक्चर के लास्ट में करने वाले हैं। और एक चीज और, हम एक और डायलॉग बोलते हैं, हम वो शख्स है कि तुम्हें भूलने नहीं देंगे, ठीक है। तो कल जो लेक्चर हमने पढ़ाया उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने लाया, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किरण पुंज के बारे में, जिसको प्रकाश पुंज भी कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ, और प्रकाशीय माध्यम क्या होता है वो पढ़ेंगे, और छाया पढ़ेंगे, ठीक है। और कल से स्टार्ट होगा प्रकाश का प्रावर्तन और प्रावर्तन के नियम, प्रतिबिंब, ये सब कल से, आज इतना ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है, ठीक है, और बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा, पूरा समझ में आएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा क्या है, प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या होता है। अच्छा, ये किरण जानते हैं, किरण किसे कहते हैं, लड़की के नाम किरण नहीं है, वो किरण नहीं बोल रहे हैं, अतः तू लोग वो सोचने लगेगा, ठीक है। सुनिए, क्लास में एकदम मजा आ जाएगा, ध्यान से देखिए ना खाली, हाँ, इससे पहले अगर नहीं देखे तो देखिएगा तो और मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। किरण क्या होता है, तो प्रकाश के, बोलिए बोलिए बोलिए, प्रकाश के गमन के पथ को क्या कहते हैं, किरण। प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसको हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे, ठीक है। अब यहां पर आ गया कि किरण पुंज, पुंज मतलब होता है इकट्ठा, समूह, ठीक है, मतलब किरणों का समूह, किरण पुंज मतलब किरणों का समूह। किरण तो समझिए कि जिस पथ पर प्रकाश चला, मतलब प्रकाश, सूरज के प्रकाश यहां से यहां चला, ठीक है, बात समझिए, ध्यान दीजिए, यहां पे बिजली के बल्ब का प्रकाश यहां से यहां चला, चला ना, तो ये आपका किरण हो गया, क्या हो गया, किरण हो गया। अब है पुंज, पुंज मतलब होता है समूह, किरण पुंज मतलब किरणों का समूह, लिख देंगे, हाँ, क्या लिखेंगे बोलिए, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं सर, हाँ, ये बात तो समझ में आ गया, क्या बोलेंगे, बोले एक बार, तुम लोग क्या बोलने के लिए, इसमें कहे बोलने के लिए लोगों को, चुपो, नहीं सुनाई देगा, ओ हाँ, इसमें कैसे सुनाई दे सकता है हमको, बोलो क्या बोलेंगे, किरण 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 पुंज को क्या बोलेंगे, प्रकाश से किरण पुंज को, किरा याद कर रहा था, उनका उनका घोड़े याद करिए, बैठो, तो बोलो क्या क्या बोलेंगे, हाँ, किरणों के समूह को, यानी किससे किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। हमने कल भी बोला था बात कि क्लास में ही याद करा के भेजेंगे समझा के, और आज ही बोल रहे हैं क्लास में ही क्लियर हो जाएगा, घरे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आइए, तो इसका उत्तर लिखेंगे भाई, आज लिख के नहीं लाए हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ कमेंट में था कि लिखिए सर, अच्छा रहेगा, तो भाई लिखेंगे हम लोग क्या, प्रकाश के किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, या सीधे लिखिए किरण पुंज कहते, किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज, थोड़ा स्पीड में लिखेंगे तो राइटिंग का बढ़ाएगा, बात याद रखिएगा। तो बात समझ में आया, किरण पुंज किसे कहते हैं मेरे भाई, अब रुक जाओ, रोहन खड़ा हो, खाप पी कर टंच रहता है हमेशा, तनी कम खाल कर बैठ रहे, बोल किरण पुंज किसे कहते हैं, हाँ बोल दिया भैया, उगाई तो उगाई तो बोल दिया ही, बड़ा नींद में रहता है लड़का, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज का याद रहेगा। अब आइए, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, किरण पुंज क्या प्रकार के मेरे भाई,
स्टार मार्क देख लिखेंगे कि किरण पुंज आपका जगह सर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो थोड़ा बुखार नहीं लगाएंगे क्योंकि सर्दी का मौसम अभी नहीं है, ठीक है। हे प्रकाश पुंज या किरण पुंज एक के होता है, प्रकाश पुंज या किरण पुंज एक ही होता है। हाँ तो किरण पुंज कितने प्रकार का होते भाई? वाह 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 वाह, किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, कोई दिक्कत? तो तीन प्रकार के सर ऊपर नाम बताइए ना, आ? तीन प्रकार है कौन कौन, आइए बताते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज, क्या है? अपसारी किरण पुंज। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। अब कोई इसमें सवाल करेगा, रुकिए रुकिए रुकिए, हम जानते हैं आपके मन में क्या सवाल होगा, अगर आप लोग किताब देखते होंगे तो मन में सवाल होगा, ठीक है। और तीसरा है समांतर किरण पुंज। आपका सवाल क्या हुआ ईश्वर, किताब में तो दो नंबर में समांतर किरण पुंज, तो हम कहां करें नहीं है, हम हमारा आप तुम्हारा मनोवाद सर हम एक में अभिसारी किरण पुंज बोले, दो में समांतर किरण पुंज बोले, और तीन में अपसारी किरण पुंज बोले, बोल सकते हो, ठीक है। एक में अपसारी किरण पुंज बोलेंगे सर, दो में समांतर किरण पुंज बोलेंगे, तीन में बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज, बोल सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। आई किरण पुंज क्या प्रकार के? भर जाओ, तू बोल बो, क्या कौन कौन? अभी तक घर वाली के नाम कहते बोला कि एक सौ बोल दे, लेकिन लौट पड़े देना, बैठ पास हो गए। हाँ अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, यही बोल सकते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। सर होता क्या है अपसारी किरण पुंज? बढ़िए, किरण पुंज मतलब प्रकाश का समूह, प्रकाश का समूह, तो हो सॉरी प्रकाश नहीं, प्रकाश के किरणों का समूह, प्रकाश के किरणों का, तो किरणों का समूह मतलब सर एक मतलब दो चार पांच दस सौ किरण होगा एक साथ क्या? तो जरूरी है, सुनिए ध्यान दीजिएगा, तो किरण अगर एक साथ होगा तो हो सकता है कि किरण ऐसे चलता हो, सब किरण एक दूसरे के समांतर, क्या समांतर है ना भाई, एक ही दिशा में चल रहा है, दिशा समान होना चाहिए और दो किरण के बीच का डिस्टेंस समान होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। अच्छा सुनिए बात, सुनिए बात, सुनिए, हो सकता है कि एक बिंदु यहाँ है, ऐसे मतलब जो है ये फैलती ही चली जाती हो सकता है, इसे ये फैलती ही चली जाती हो, ऐसा हो सकता है ना सर? ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही बिंदु पर मतलब कहीं ना दूर दूर से आकर के एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हो, ऐसा भी तो हो सकता है सर। तो जो एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है उसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज, क्या कहते हैं? और जो एक बिंदु पर आकर एकत्रित होती है, इकट्ठा होती है, अभिसारी किरण पुंज। तो सर वो समांतर कौन बोलेगा, आप बोलिए ना, जब सुनिए किरणों का समूह जब एक दूसरे के समांतर चलती है तो क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। फिर से बोलिए, किरणों का समूह, ठीक है, क्या बोलिए बोलिए, प्रकाश के किरणों का समूह जब एक बिंदु पर आकर एकत्रित होती है तो अभिसारी किरण पुंज, प्रकाश की किरणों का समूह एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है तो क्या बोलिएगा? अपसारी किरण पुंज। और जब प्रकाश किरणें कि प्रकाश के किरणों का समूह एक बिंदु से एक दूसरे के समांतर चलती है, एक दूसरे के समांतर, तो समांतर किरण पुंज। बात आया समझ में? तो लिखे इस डिफिनेशन को, आइए लिखते हैं। सबसे पहले अपसारी किरण पुंज, ठीक है, आइए तो लिखेंगे अपसारी किरण पुंज। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया सबको? क्लियर को दिखा ना, और तीनों का नाम याद रखिएगा। चलिए तो इसका उत्तर लिखते हैं, इसका डिफिनेशन अपसारी किरण ना। अपसारी किरण पुंज में अपसारी किरण पुंज में ओहो किरण पुंज में प्रकाश के किरणों के प्रकाश की किरणों के समूह प्रकाश की किरणों के समूह
समूह समूह है एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। तो बोलेंगे, कोई पूछेगा कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? ठीक है, अपसारी किरण पुंज, लड़की ध्यान दो यहां पे। तो अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणों के समूह एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। तो एक बिंदु यहां था, यहां से ऐसे देखिए फैलती हुई जा रही है, जा रहे ना भाई? अब कहेगा सर इधर जा सकता है? किधर जा सकता है? फैलती हुई चली जाएगी प्रकाश की किरण, कोई दिक्कत? बात समझे? बात समझ में आया? चलिए अगला हम देखे। अगला है हमारा अभिसारी किरण पुंज। क्या है अभिसारी किरण पुंज में? हमने क्या बोला कि अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर एकत्रित तो होती है। लिखिए, क्या लिखिएगा भाई साहब? अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती, लिखिए या एकत्रित होती है? एक बिंदु पर आकर मिलती है ना, या बोल सकते हैं एक बिंदु पर आकर एकत्रित होती है। तो इसके लिए तो ये हो गया एग्जांपल, एक बिंदु ये ले लेते हैं, आइए सबको मिलाते हैं किरण को। ई यहां पर पहले आ गया, ठीक है, एक बिंदु पर आ गया भाई। बात आया क्या समझ में? हमने क्या बोला किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। समूह मतलब बहुत किरण है कि ना भाई रे, है ना? प्रकाश है किरण पुंज का प्रकार के तीन प्रकार के, कौन कौन? रुक रुक, सब बोलेगा तो अपन रोटी सबसे लेगा, जो बकलोलवा होगा वो हो। अगर की खड़ा, कौन कौन किरण पुंज? हाँ हाँ, समांतर किरण पुंज। हाँ बैठिए, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अभी आप लोगों को ये समझना होगा कि ये लोगों से जो हम पूछ रहे हैं सवाल, वो आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये लोग जवाब दे रहा है, जब हम जैसे सवाल पूछे आप लोग भी खुद से जवाब दीजिए। लगना चाहिए आप लोगों को आप लोग भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, बात समझे? हाँ, तभी आपको आएगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। चलिए ये बात पता चला हो तो अपसारी किरण पुंज में क्या होता है? जो प्रकाश के किरणों का जो समूह होता है वो एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, ठीक है। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है? प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर के एकत्रित होती है ना, अभिसारी किरण में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, या प्रकाश की किरणों के समूह बोल सकते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह एक बिंदु पर आकर के एकत्रित भी बोल सकते हैं। अब आइए, अब है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है। आइए समांतर किरण पुंज में, ठीक है, तो लिखेंगे समांतर किरण पुंज या प्रकाश पुंज। समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें बोलिए या किरणों के समूह, प्रकाश के किरणों का समूह या प्रकाश के किरणें, किरणें हो गया मतलब बहुत किरण, किरणें हो गया मतलब बहुत किरण, प्रकाश के किरणें एक दूसरे के क्या होती है भाई? समांतर चलती है, एक दूसरे के समांतर। अब सुनिए, ये तीन को बात क्लियर हुआ पूरा एकदम टनाटन? अच्छा, ये बात ये हो गया। एक बात और, ये जो सूरज है, ठीक है, ये क्या है? सूरज है, इससे जो है किस प्रकार, मतलब ये अपसारी, अभी इससे जो किरण पुंज निकलता है वो अभिसारी किरण पुंज कि अपसारी किरण पुंज कि समांतर किरण पुंज? नहीं नहीं नहीं, ये समांतर किरण पुंज। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर
आप तो गलती बता रहे हैं, क्योंकि सूरज है यहां से निकला है तो फैल गया है, फैल गया नहीं, ये फैलता नहीं है, ये अनंत दूरी पर है। अनंत से जो प्रकाश किरणें आती है वो समांतर आती है, अनंत से प्रकाश की किरणें समांतर आती है। ये कहां पढ़ेंगे आप लोग पता है, अब इसी चैप्टर में, ठीक है, जब हम अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे, अनंत पर से हमको प्रकाश किरण आना पड़ेगा, कहां पढ़ेंगे, ठीक है। तो अनंत ऐसा रहता तो भाई एक मतलब होता ना कि भाई जब फैल गया है तो जैसे हम टॉर्च यहां से बार दिए, पीछे वाला भाग ना है रोशनी जाएगा भैया, तो टॉर्च बार देंगे तो टॉर्च में क्या होता है कि इतना को शीशा है टॉर्च का, सुनो ये टॉर्च का इतना को शीशा है यहाँ पे, अब यहां से प्रकाश ऐसे ऐसे निकल रहा है ना भाई, ऐसे ऐसे तो इतना को से कितना फैल गया, तो ये कौन सा हो गया, ये समांतर हो गया, यहां से फैल गया अपसारी, अपसारी फैल गया, तो इसके पीछे जो तो रहेगा नहीं रहेगा रोशनी, प्रकाश इसके अंधेरा है इसके पीछे, लेकिन सूरज में तो सूरज जब रोशनी देता था कहीं अंधेरा ना रहता है, अंधेरा कह रहता है नहीं, इसीलिए उस समांतर के ना उसके वहां से जो किरण निकलता है वो समांतर निकलता है। बात समझ में आया क्या, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा जाएगी, फिर से एक बार रिवीजन करा दिया जाए। अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक, सुनिए, एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, आप लोग बोलिएगा, रुक जाओ तुम रुको, अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, ये बोल सकते हैं, या एक बिंदु पर आकर एकत्रित होती है। समांतर किरण पुंज में क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत आई, इसको इसे बना लेते हैं। अच्छा ये पिक्चर जब ये है तो क्या इसे करेंगे, एकदम समांतर डिस्टेंस समान होना चाहिए और एक ही दिशा में होना चाहिए, डिस्टेंस इसका समान नहीं होगा। अब आइए, ठीक है, ये आपका है समांतर किरण पुंज, कोई दिक्कत, बढ़े आगे। अब आइए, अब जो है पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, किसका नाम पढ़ेंगे, पदार्थ के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, प्रकाश के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में भागा है, तीन भागों में बांटा गया है। सुनिए, पदार्थ को कब भागों में, तीन भागों में, किसके आधार पे, प्रकाश के आधार पे, क्योंकि उस पदार्थ में प्रकाश कैसे चल सकता है वो बात है। चलिए, तो सबसे पहला जो है वो पारदर्शी पदार्थ है, दूसरा जो है वो है अपारदर्शी पदार्थ, और तीसरा जो है वो पारभासी पदार्थ। फिर से सुनिए, ठीक है, प्रकाश के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में, एक वो है पारदर्शी पदार्थ, एक वो अपारदर्शी पदार्थ, एक वो पारभासी पदार्थ। अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक वो हम आर पे वो शीशा लगा लिए, शीशा कांच, ठीक है, अब यहां से टॉर्च मारेंगे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना, नहीं जाएगा रे, मोबाइल के टॉर्च जो मारेंगे ऐसे करके, ये तो शीशा लगा, मोबाइल कहाँ है, मोबाइल को ले गया हमारा रे, ओ ये ना है मोबाइल ले, ऐसे सुनो, ये देखो ध्यान दो, तनका मन का हंसाने के लिए आप लोगों को करना पड़ता है, तो ये देखिए शीशा है कि नहीं, अब टॉर्च मारते तो यहां से दिखाई देता है ना, देता है, तो वही बात है, तो कांच से आर पार हो जाता है प्रकाश, ठीक है। अच्छा दीवाल है, दीवाल है ना, यहां से हम टॉर्च मार रहे हैं और वही तरफ हम मर जाएगा, प्रकाश को पहुंचना पहुंच जाएगा, नहीं ना पहुंचेगा, वो पेड़ है, पेड़ बड़ी मोट का पेड़ है, अब वो पेड़ आई पार बारेंगे सोचेंगे वही पार हम देखे दिखाई देगा, आई कॉपी है, हम यहां से प्रकाश मतलब टॉर्च मार रहे हैं, हम चाह रहे पार देखना, दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, ठीक है, बात समझ में आया। तो जो आर पार हो रहा है प्रकाश, सुनिए, जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, प्रकाश अगर आर पार हो गया, कोई भी पदार्थ से प्रकाश आर पार हो गया, पारदर्शी पदार्थ है, और जिससे आर पार नहीं हुआ अपारदर्शी पदार्थ है। सर आप तीन को बोले थे, दूसरे को बता रहे हैं, ठग रहे हैं, आया बच्चा समझ के, रुकिए, तीन को है, तीन को में एक है पारभासी, तो पारभासी पदार्थ में क्या होता है कि प्रकाश का छोटा सा भाग या छोटा सा अंश पार करता है। पारदर्शी पदार्थ वह होता है जिससे होकर
प्रकाश का छोटा सा भाग पार कर जाता है, जैसे तेलीय कागज, कागज को तनका भिजा उजा दीजिए तेल से, और तब बारिये टोस तो हल्का हल्का उधर मतलब जाता रहेगा, ठीक है। अब सुनिए, जो होता है चर्म बोलते हैं, चर्म मतलब चमड़ा, स्किन, अब यहाँ टॉर्च बारिएगा इस पर तो लाल हो जाएगा, तो उससे हल्का प्रकाश को आने देता है, हल्का प्रकाश को देता। और आप लोग एक दू को बताइएगा क्या, बोलिए ना बोलिएगा, धुआं, धुआं जानते हैं, उसमें से तनके प्रकाश जाता है सर। एक और चीज हम बताएंगे, ठंडी के महीना में जो कुहासा लगता है, धुंध लगता है ना कुहासा, हाँ, तो कुहासा में जब मोटरसाइकिल के लाइट जलता रहता है टरक रक का, तो देखते हैं तनके तनके पास करता है के? कोई दिक्कत नहीं, ये तो पता चल गया सबको। चलिए, तो जो कम एकदम हल्का मात्रा में प्रकाश को पार करने का, वो पारभासी पदार्थ है। जो पूरा मात्रा में कहता जाओ कोई दिक्कत नहीं, तुम जाओ, वो होता है पारदर्शी। अब जो कहता है रुक रुक यहाँ, रुक यहाँ से तुमको बढ़ने नहीं देंगे, रुको, हाँ, तो वो अपारदर्शी होता है, ठीक है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत। बनाइए के बताते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, पदार्थ है, कोई पदार्थ है, इससे होके प्रकाश करे बकलेल कहीं के, तो सही में राम भरोस ही रह गया, प्रकाश किरणें पूरा पूरा पार कर गया, पूरा पूरा पार कर गया, क्या होगा, पारदर्शी पदार्थ। एक और वस्तु है ऐसा ने, ठीक है, अब इससे गया और कहता यही से बहुओ उपाय ना हो तू लौट जो, तू लौट जो, तब ये खा रहा हो कि मान ले कि कुनलबा जाएगा पोखरी में मछली मारने के, और दूसर के अगर मछली होगा रखबार होगा तो उकरा तो सोटा लेके धरे के मारने के लिए, तो गया किनारा लेकिन इन्हें से सोटा से मार के भगा दिया, उकरा पार नहीं होने दिया, बात समझे, तो जो पार नहीं हुआ ये अपारदर्शी, क्या होगा, भाई तो सब खा पी के हमरे खाना ना मिलना मिलक बता। आ एक होता है, अगर प्रकाश किरण यहां से आया खूब तगड़ा में आया, खूब ताव में आ रहा, खूब एकदम पावर में दिखा करके, अरे आए आए तो हम तो खत्म कर देंगे, हम खूब में आए जीत लेंगे, आए आया यहाँ पर आ गए एकदम एकदम दम तनका तनका जो है यहाँ से इसको बाहर आने दिया, इतना मार मारा इसको कि यहाँ से आया कूद कहीं तो कूद कहीं, बात समझे, इन्हें खूब ताम में आया बॉडी बना उना का अन्या से कहीं जा रहा, ठीक है, एकदम मसुआ गया जाते जाते, मतलब क्या, प्रकाश पूरा आ रहा है लेकिन ये जो पदार्थ बीच में रखा हुआ है उसमें एकदम हल्का पास कर रहा है, हल्का पास कर रहा है, वही बात बताने की मतलब कोशिश करें आप लोगों को समझाने का, ये बात समझ में आया तीनों, मतलब वह पदार्थ जिससे प्रकाश पूरा के पूरा पार कर जाएगा को होगा पारदर्शी, तनको नहीं पार करेगा अपारदर्शी, पारभाषी किसे कहेंगे, तनका पार कर मतलब प्रकाश का छोटा सा अंश पार करेगा वो क्या है आपका पारभाषी, कथि बोले पारभाषी, तो ये सब कुछ कुछ बोल देती है सब नहीं सर, पर इसे ने सब बोलता है तो कोनो कुछ बोलता है वही में पर कहता हाँ सही है, चलो तो पारदर्शी पदार्थ क्या लिखेंगे ना, लिखेंगे वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, आइए लिखिए, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, कोई दिक्कत, अच्छा सर उदाहरण नहीं देते हैं सर, उदाहरण दीजिए सर, उदाहरण कुणाल कुमार, अच्छा एक रुकिए, उदाहरण देंगे तो गड़बड़ा जाएगा सिस्टम, पहले हम सब फेट फाट लेते हैं, आप लोगों से पूछते हैं, एक पेज ऐड करते, रुक जाइए, हम लिखते हैं यहाँ पर बता, अभी जिससे पूछेंगे बताएगा, और दूसरा कोई बोला तो कुछ नहीं करेंगे, हम बताएंगे, ठीक है, चलिए अब जिससे पूछे वो बताया कौन कौन पदार्थ, लड़की सबसे बोलने में तू पकड़ पकड़ तो बोल,
किताब क्या है? पारदर्शी की अपारदर्शी की पारभाषी? अपारदर्शी। एकदम ठीक बोली है लड़की, बहुत बढ़िया। अब पढ़ने लगी है, एक नाम है दिव्या कुमारी, बैठ जा दिव्या भारती। तू खड़ा हो, सरल पागल सब खड़ा हो। कांच क्या है? पारदर्शी की अपारदर्शी की पारभाषी? पारदर्शी, क्योंकि कांच से पूरा पार कर जाएगा प्रकाश, इसलिए ये पारदर्शी। पारदर्शी, कोई दिक्कत? लकड़ी, तुम बैठ। अरे राम भरोस, राम भरोस कहाँ गए? राम भरोस बोल, लकड़ी क्या है? पारदर्शी अपारदर्शी पारभाषी? वाह, तू तो जिया, तो बना ना जिया हो बिहार के लाला, तू पूरा बिहार के बेचे खा गई। पारदर्शी बोल रहा है। अरे पहले तू डिफिनेशन समझा रे, तू कहाँ सोच रहा था इस अभी तक के? तू हिला दिया, तुम हिला दिया तुम है। रुको 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 रुको, हो गया नहीं ना, चलो हो गया। चुप चुप, मुबन मुबन मुबन, बकलेलबा गलती कर दिया तुम। तुम बताओ लड़की, लकड़ी क्या है? पारबाची, पारबाची लकड़ी। ये लकड़ी के ही आई, ये लकड़ी के बेंच है, इमे टॉर्च बारे छी, पार होता यार पार, तो जो आर पार नहीं होगा वो क्या होगा? तू बोल, अपारदर्शी। ये मोबाइल वाले बच्चा लोग तो इन लोगों को घिना दिया होगा अभी तक। कैसा कोचिंग में बच्चा सब को पढ़ा रहे हैं, ये सब सरल सब है, सब एकदम साफ पिलुआ फर गया है, महक रहा है पूरा कोचिंग, ये सब जिंदा थोड़ी ना है। तू खत्म है रे राम भरोस, तू तोरा पर भरोसा था, तू दिल तोड़ दिया हमारा। राम भरोस मतलब भरोसा, आई भरोसे तोड़ देता है। अरे लड़की खड़ा, धुआं बताओ, धुआं। हाँ पारभाषी, क्योंकि धुआं में प्रकाश का जब घूरा उड़ा फूकते हो तो खूब तगड़ा, जब धुआं हो जाता है तो जब टॉर्च मार कर देखेगा तो आर पार हल्के भाग आने देगा, ठीक है? तो ये होगा पारभाषी। अरे दूसर पेंसिल लिखेंगे, पारभाषी। अब बात अब आप समझ में आ गया ना, आप लोग बारह समझ में? चलिए, कलू हिला दिया था मतलब बीच क्लास में, अरे कमरा को, अच्छा उसके लिए लोग समझता है इतना। तुम बोलेगा रे, बताओ तो। ये घिसा हुआ शीशा, घिसा शीशा को घिस दिए हैं पारदर्शी, शीशा से पूरा पार कर जाएगा, लेकिन घिसा हुआ घोंस दिए हैं। घिसा हुआ शीशा हो या घिसा हुआ कांच, बोलिए कांच, घोंस दिए है कस करके, हाँ पारभाषी, पूरा नहीं पार करने देगा। शीशा देख के कंफ्यूज हो गया, घिसा हुआ कांच, कांच अगर सही रहता ना तो पूरा पार, लेकिन कांच को हम घोंस दिए हैं ऊपर से कुछ उसे, समझे, रगड़ दिए तो नहीं, धुंधला हो गया, नहीं जाने देगा पूरा। ये हो गया आपका पारभाषी। हाँ पानी, बच खाली हम बताए, हम बताए सब तुम बताए, तो रहा होता है पानी बताओ। कौन बोले, कहा बता रहे उसको? चुप चुप, बाबू के नाम बता कहती है, सर जी बता रहे हैं, बाबू के नाम सर जी बता, तू बाबू के नाम पारभाषी बता, और पानी है पारभाषी, पानी पारभाषी है, पानी पारभाषी है, बताइए भाई पानी पारदर्शी क्या होगा? क्योंकि पानी से, पानी में जब टॉर्च मारेंगे पूरा आर पार हो जाएगा, पूरा आर पार, तो पानी क्या है? पारदर्शी। ज्यादा समय लग गया इसमें क्लास, ज्यादा समय ज्यादा लग जाएगा। हाँ हवा बताइए भाई, हवा पारदर्शी, हवा क्या होगा? पारदर्शी, सबसे आसान यही था। चलिए अब आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं, इसका उदाहरण क्या होगा भाई? हवा, पानी नहीं लिखेंगे, जल लिखेंगे, जल लिखेंगे, ठीक है? और कांच ले लेते हैं, अरे इतनी चल बड़े। अगला क्या है मेरे भाई? अगला होगा अपारदर्शी। अगला क्या है? अपारदर्शी पदार्थ क्या है? वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं पार करता हो, वैसा पदार्थ जिनसे होकर, जिनसे होकर प्रकाश नहीं पार करता हो, नहीं पार करता हो, उसे जो कहना है कह दीजिए, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं पार करता है उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। ये उदाहरण में बोलिए,
जैसे मैं बोलिए ईट किताब, अभी बोल रहा है, अभी बोल रहा है, मारने ओकरा पहले बुखार लगा दे राम भरोस के ओखनी, मतलब अटर पटर बोल रहा था, पारभाषी अपारदर्शी बगलवा कही, ये समझ में आया हो? अपारभाषी क्या, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का छोटा सा अंश पार कर सके, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का छोटा सा अंश बोलिए या छोटा सा भाग बोलिए, छोटा सा अंश बोलिए या छोटा सा भाग पार कर जाता है, पार कर जाता है, उसे जो कहना है सो कह दीजिए। आइए लिखना हिंदी यहाँ पे, घिसा हुआ कांच, धुआं, कुहासा, तेलिए कागज ना, जो भी लिखना लिखना, बात ये बात पचा कि नहीं रे, पचलो बताओ, हमारे खोपड़िया जो है वो कौन सा है, पारदर्शी अपारदर्शी पारभाषी अरे इन खोपड़िया में तू मतलब तू गोली भी आएगा तो पार पार हो जाएगा, मारेगा था टॉर्च मारना है, पार से पार करना है तो अपारदर्शी ना खोपड़िया, खोपड़ी ना है। हम चमड़ा के लिए बोले थे, चमड़ा जो चर्म होता है ना, यहाँ पे पतला होता है, यहाँ पे यहाँ बारेगा ना तो यहाँ ये पूरा लाल लाल बुझाएगा, ये होता है रात में बार के देखना। अब आइए भाई साहब, छाया, छाया क्या होता है सुनिए, कहिएगा छाया तो सर हम समझते हैं, अब जो बनाया हुआ है ये सब ठीक है, तो भाई हम है अपारदर्शी, हम है अपारदर्शी भाई, हम हो या कोई भी हो, कोई भी अपारदर्शी पदार्थ ले लीजिए ठीक है, आगे से सामने से उस पर क्या बारिए, लाइट दीजिए, प्रकाश दीजिए, प्रकाश जब उससे पार नहीं करेगा तो पीछे जो काला जो है वो क्या बन जाएगा, एक छाया बन जाएगा, कहते ओकरा काट के खा दी बका। मान ले कि ये पदार्थ है, सुनो एक पदार्थ है, यहां से प्रकाश आया ठीक है, लेकिन है सुनो पार नहीं कर सका तो इसके पीछे जो है ना ऐसा काला सा जो क्या बन जाएगा, छाया बन जाएगा, नीचे की ओर बनता है छाया, बात समझे, कोई दिक्कत? तो वही डिफिनेशन हमने लिखा कि प्रकाश के किरणों के सामने जब क्या रखते हैं, अपारदर्शक वस्तु रख दी जाती है ठीक है, तो प्रकाश के किरण यह था, यहाँ पे हम अपारदर्शी वस्तु रख दिया, प्रकाश को नहीं पार करने दिया ठीक है, प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, अंधेरा क्षेत्र मतलब इस तरफ उधर में खड़ा हो गए ना सूरज किरण के सामने, सूरज किरण यहाँ आएगा, अब यहाँ नहीं होगा तो इसके पीछे ही जो शरीर का छाया बन जाएगा पीछे, और यहां से पार करेगा तो उधर धूप रहेगा ठीक है, बात समझे, तो छाया समझ में आ गया, कोई दिक्कत? छाया कैसे बनता है, छाया बनने के लिए खराब कुनाल, छाया बनने के लिए पारदर्शी पदार्थ की आवश्यकता होगी कि पारभाषी की अपारदर्शी, अपारभाषी, अपारभाषी भी हम पढ़ेबो ना कैली हमरे को पढ़ा रहे अपारभाषी, अच्छा तोर नाम याद है कि ना, तुरा नाम अपारदर्शी है, नाम अपारदर्शी अपारदर्शी, तो मतलब हाँ भाई सही है, छाया बनने के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होगी, अपारदर्शी। अब है प्रकाशीय माध्यम, अगला लास्ट टॉपिक आज का प्रकाशीय माध्यम होता क्या है सुनिए, तो सुनिए जिस माध्यम से प्रकाश जाकर हमारी आंखों तक पहुंचता है उसको क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम। अरे यहां से प्रकाश निकला, बिजली का बल्ब या कुछ भी है, यहां से प्रकाश निकला और यहां तक पहुंचा किसी वस्तु तक, बोलिए हमारी आंखों तक बोलिए ठीक है, तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता इसी को क्या बोलते हैं, माध्यम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकाशीय माध्यम। कौन कौन हो जाएगा, जैसे पानी से जा सकता है, हवा से होकर जा सकता है, कांच से होकर जा सकता है, और कहिएगा सर दीवार से होकर जाएगा, नहीं रे, समझ में आया, तो वही बात निकला है कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकल कर आंख तक पहुंचता है, वस्तु से निकल कर चला जाए, तो वस्तु मतलब हवा से निकल कर,
वस्तु मतलब किसे निकल करके, कांच से निकल करके, वस्तु मतलब किसे, पानी से निकल करके, वो चला जाए तो माध्यम को क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, प्रकाशीय माध्यम, क्योंकि उस माध्यम से प्रकाश निकल चला निकल गया है तो उसको प्रकाशीय माध्यम बोलेंगे। बात समझ में आई, ये सबको पच गया ये बात, कोई दिक्कत, तब ऑब्जेक्टिव पर चला जाए, जवाब देने के लिए तैयार हैं। चलिए ठीक है, आइए आइए। प्रकाश के किरणों के समूह को एक बात सुन लीजिए, अगर इस बात सुनो, वो लोगों से हम पूछेंगे तो आप लोग भी जवाब दीजिएगा, हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देते चलिए, ठीक है। पहला का जवाब दीजिए तो कमेंट में आप लोग, हाँ सुनिए, राम रोज कराओ। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, यार तू तो पूरा घिना दिया, अरे तोरे वो एगो एगो डिस्कवरी चैनल बर्बाद हो गए, कुंजी कुंजी चुप 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 चुप, तोरा उठाना बजती करवाना बराबर हो, अगुआ आता हो पूछो नाम कथी, तो बाबू के नाम बताइए, ठीक है, कहो घर कहाँ है, घर पूछता हूँ तो जिला के नाम बताइए, ठीक है न, तो उम्र उम्र बता दिया ही कि, तो हम पूछ रहे हैं कि जिस प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो ये मतलब अटरे पटर बोल रहा है एकदम शॉर्ट में आंसर, चारों ऑप्शन है, ऑप्शन वाला कहीं और देख लीजिए, देखिए ऑप्शन नहीं देखा था, सौर्य किरण पूर्ण किरण पुंज होते कि, और कैसे देखेगा, ओ अच्छा अच्छा ठीक है, आओ बढ़ आगे। किरण पुंज कितने प्रकार के होते, ग्रहण कराओ, तीन प्रकार के, कौन कौन, बकले दबा गई, अपरभाषीय बोल रहे रे, पदार्थ में ना जो किरण पुंज में, चलो किरण पुंज में, किरण पुंज, किरण पुंज क्या प्रकार के, तीन प्रकार के, तीनों का नाम बता, अपसारी अपिभारी अपिभारी अभिसारी अभिसारी समांतर किरण पुंज, ठीक है, तीन प्रकार किरण पुंज था, तो तीन प्रकार, चलिए क्या आप लोगों का सही हुआ, ये सही हुआ, कमेंट जरूर कीजिएगा भाई मेरे, अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की सभी किरणें, अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की सभी किरणें, अपसारी किरण पुंज मालूम ना, एक बिंदु से निकल कर फैलती चली जाती है, या एक बिंदु पर आकर एकत्रित होती है, या एक दूसरे के समांतर चलती है, बताएंगे क्या होगा, एक बिंदु पर एकत्रित, अरे नहीं कुणाल नहीं, बेइज्जती करवा देगा ये, और खड़ा रंजन, एक बिंदु पर एकत्रित होती है, या एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, या हाँ अभिसारी में यही बात है, अपसारी में एक बिंदु से निकलकर अरे फैलती चली जाती है, बात बराबर आप लोगों का सही हुआ था क्या, देखिए बात को सिर्फ डिफिनेशन लिखने पर मत रहिए, याद रखने पर नहीं, हमने क्या बोला कि क्लास में ही याद करवा देंगे, ठीक है, और कहिएगा सर आज बोला तो याद करवा लीजिएगा, और कल वाला हम भूल जाएंगे, रे हम वो शख्स है तुमको भूलने नहीं देंगे, कलू वाला हम लिख के लाए ऑब्जेक्टिव, टेंशन मत लीजिए, समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें सभी किरणें कर, रुक 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 बोल, हाँ एक दूसरे के समांतर चली, इस पर बताइए लड़की, समांतर किरण पुंज में प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर चलती है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब मजा आ रहा है क्लास में, तो गर्मी का समय है बउआ, स्प्राइट नहीं मंगवाइए, वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, अगर मजा आ रहा है तब, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, प्रकाश आसानी से पार कर जाती है उसे क्या कहेंगे, हाँ तू बता, तू से कला बोलता है, हम हमू है ने हमरे दुकान चले थे कम से कम, पहले तो तू अपारदर्शी बोला है, नहीं सर ध्यान में नहीं था, क्वेश्चन सही से पढ़ो, क्या हुआ पारदर्शी, क्योंकि जिससे आसानी से पार कर जाएगा वो पारदर्शी पदार्थ है, जिससे नहीं पार करेगा अपारदर्शी, छोटा सा भाग अगर प्रकाश का पार कर जाता है पारभाषी, आइए ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का छोटा सा भाग पार कर जाता है उसे कौन सा पदार्थ कहते हैं, रुक जा रुक, आ खड़ा हो सुनो तुम बता, पारभासी, क्योंकि छोटा सा अंश पार कर गया पारभासी, पार नहीं करने दिया वस्तु तो अपारदर्शी, पार पूरा हो गया तो पारदर्शी, चलिए
प्रकाश के आधार पर पदार्थ के पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? प्रकाश के आधार पर प्रकाश पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया बता, बक बक तीन भागों में कौन कौन? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी, अपारदर्शी। हाँ, इसको मालूम रहता है, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभाषी पदार्थ। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे घुमा देंगे आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को घूमना नहीं है। नहीं सर, हम सीधे रहेंगे, घूमेंगे नहीं। आइए आप देखिए, ये है कल वाला, ये क्या है? हमने क्या बोला कि हम भूलने नहीं देंगे, वैसा आदमी है खतरनाक, देखते ना मोचू अच्छा देख गधा कहीं के तू देखे नहीं किए कहीं हम फिल्म के अलावा और कहीं। आओ, प्रकाश एक प्रकार की क्या है राहुल भाई? ऊर्जा। हमारा कौन ऊर्जा आने के लिए बताओ तो, सब तो पढ़ाएगा कौन? करा ऊर्जा सर जी, ऊर्जा। हाँ बैठो, तू करा। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। हाँ, 15 करोड़ एक मीटर नहीं, किलोमीटर है, मानेंगे बक लगी थी हम 15 करोड़ किलोमीटर। बैठ जाओ, कल बड़ा क्लास में सब हुआ था। रितेश, पर सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकेंड, 500 या 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, बड़े आगे है। अब रुको, भरोस के खड़ा करके बेइज्जती करवा देगा। अरे दिव्या भारती खड़ा, पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? हाँ, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब आइए प्रकाश ना, वो खत्म है पर, इतना ही अभी तक मतलब। प्रकाश को कण में, प्रकाश को कण में नहीं, कण के रूप में, प्रकाश को कण के रूप में क्या कहा जाता है? रुको, तू बताएगा, अभी तू बता ली नहीं वो सवाल दोबारा, तू बता रहे विकास, विकास फोटोन क्या कहता है? फोटोन। चलिए एगो यार है पीछे से, बाल टेंशन ना ले, अलग की तू बता। प्रकाश के गमन के पथ को क्या कहते हैं? किरण। किरण क्या कहते हैं? किरण। बड़े आ गए आप लोगों को ही मालूम होना चाहिए, इसीलिए लेक्चर 1 देखिए भाई, हम रिवीजन कराएंगे, कल लेक्चर 3 होगा ना तो उसमें भी 1-2 का क्वेश्चन है, 2-4-5 को डाल देंगे, भूलने नहीं देंगे। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है बोलो? निर्वात। अरे तू तो दोबारा जवाब दे रहा है, एक सवाल का जवाब दिया है ना, क्या खड़ा हो जाता है? तू को दूसरा को बोलने दे ना, आप ही कहे तो इसका क्या मतलब है? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक, तुरंत जवाब दे लिए। प्रेम जो कौन जवाब दे, खड़ा प्रेम। किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं? प्रकाश की सहायता से। किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं? प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते, खड़ा जाइए इस बार, जिससे जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रेम जी, ओ नहीं मालूम है, कल पढ़े थे कि पापा के आज धा देंगे कैमरा है ना, तो बुखार लगा देते मार के। सर जी सुनो, पप्पा से पैसा लेते हैं तो पप्पा जो है पैसा के स्रोत है, और प्रकाश जहां से निकलेगा उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। भाई पढ़ समझ ले, न तो अगुआ अगुआ ही तो गड़बड़ा दी सिस्टम। जा आज तो होमवर्क ले, को सवाल नहीं छोड़े। अच्छा एगो अपने से लिख देते हैं कि नहीं आगे नहीं, ठीक है। अच्छा होमवर्क के लिए कौन सा सवाल दे दे, आधे के लेक्चर में से देते हैं कि आइए। अः चुप। बैठ जाओ प्रेम जी, बैठ जाओ। आइए, हो गया, मिल गया सवाल। आइए, छाया बनने के लिए डैश पदार्थ की आवश्यकता, कोई नहीं बोलेगा अभी, आवश्यकता होती है, इसका आंसर का करे के बा, कमेंट करे के बा। कमेंट ना करब तो कल हम अपने बता दें। अच्छा रे, कल वाला सवाल का आंसर कौन कौन दिया उसको देख लेते हैं, कल वाला सवाल क्या था? दिया, बता दिया दिया है। आइए रुको,
कल भी 15 सवाल हुआ था, देख लीजिए आप लोग भी। प्रकाश के तरंग के रूप में, प्रकाश को तरंग के रूप में क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक है, ये कल वाला सवाल था, 15 गो आज 16 गो तो 17 गो हो गया आज, एगो होमवर्क दे करके। तो भाई लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, ठीक है, इतना देर तक जुड़े रहे, बने रहे मेरे साथ। अब वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बस एक ही आप लोगों से गुजारिश रहती है कि वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं इसके अगले चैनल में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।